अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मोमिन गोट फार्म। आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को डेली की अपडेट्स मिलती रहे। दोस्तों, जैसे कि 7 बजे का टाइम हो रहा है और हम आए देवनार बकरा मंडी। ट्यूसडे की अपडेट है दोस्तों, ट्यूसडे का दिन है और आज बकरे है, सिल्लक के ज़्यादा है दोस्तों। सिल्लक का माल लास्ट वीक में जो सनीचर का टाइम था उस टाइम पर माल ज़्यादा होने की वजह से माल बहुत सा बच गया था और सिल्लक का माल ज़्यादा देखने मिलेगा। बाकी नया माल भी आया है, वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह, और सिल्लक का माल भी। और बाहर से बिक के आज ज़्यादा बकरा है, क्योंकि मैं वो दलाल से पूछा तो उसने बोला भाई बाहर से बिक कर ज़्यादा है देखने मिलेगा आज। तो एक तो ये बच्चा आते के साथ पहला बच्चा ये मिला है, तो मैं दिखा दूँ आप लोगों को, क्वालिटी शानदार। बोलते ना एक चीज़ अलग होती है माशाल्लाह, चेहरे पर रुबाब हर चीज़ देख सकते हो आप लोग, क्वालिटी चेक करो दोस्तों, चेहरे वगैरह पे पफ वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा है माशाल्लाह। और उसके कान बोलते ना गुलाबी में, एक अलग ही लुक आ रहा है बच्चे पे, वाइड आइज में बच्चा है। और देख लो आप लोग बच्चा है दोस्तों, बहुत शानदार चीज़ है दोस्तों। बाहर से किसी ने मंगाया हुआ है बच्चा, इसी के लिए अलग बंधा हुआ है, जिस किसी भाई का भी है। बहुत शानदार चीज़ है माशाल्लाह, शौक करने वाली चीज़ है दोस्तों। तो आइए आगे और भी देखते हैं क्या क्या है आज देखने मिलेगा। जैसा कि दोस्तों अजमेर के बाड़े की तरफ में अभी, और माशाल्लाह देख सकते हो आप लोग, इसमें बकरे में दिखाऊंगा एक दो है जो अच्छी है, क्वालिटी में भी है माशाल्लाह। ये मुंडा है, बहुत अच्छा बच्चा, फ्रेम पेटी का बहुत अच्छा है, हाइड्रेट बच्चा है माशाल्लाह, अच्छी चीज़ है दोस्तों, पालने लायक की चीज़ है। एक ये बच्चा है मगर बहुत ज़्यादा बीमार है और शायद कुछ प्रॉब्लम भी है पैरों में, शायद उसके प्रॉब्लम है, तभी बहुत अलग टाइप में खड़ा है बच्चा। बाकी बहुत अच्छी चीज़ थी दोस्तों, झालर गला पट्टी में। और जैसे कि मैं क्वालिटी की बात करता हूँ दोस्तों, देवनार में क्वालिटी आज के टाइम में बाहर से बिककर ही आते हैं दोस्तों ज़्यादातर बकरे। पहले एक टाइम था जब लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी देवनार, मतलब यूट्यूब नहीं था, जब बकरे नहीं दिखाए जाते थे यूट्यूब पर, तो उस टाइम पर देवनार में बहुत सी ऐसी ऐसी चीज़ें आती थी जो आज अपने को देखने नहीं मिलती है दोस्तों। आज वही सब चीज़ें अपने को जंगल से आती है, बिककर आती है, क्योंकि इतना डिमांड बढ़ गया बकरों का आज के टाइम में, तो वही सबसे जंगल से ही बिक रही अच्छी चीज़ें, देवनार में नहीं आती है। एक टाइम था जब देवनार में भी बहुत सी अच्छी चीज़ें आती थी, मगर अब नहीं आती है दोस्तों, बहुत कम देखने मिलती है। मगर जो भी दिखता है इंशाल्लाह हम आपको दिखाते हैं हर चीज़, और इंशाल्लाह रेड भी करते हैं। मगर अभी देख सकते हो आप लोग, व्यापारी भी नहीं है ये टाइम पर, 7 बजे का टाइम है, सुबह जल्दी आए हो, वो हिसाब से व्यापारी भी नहीं, और आज बकरे थोड़ा लेट बंधेंगे, सिल्लक का माल ज़्यादा है और कम माल है, तो वही सबसे लेट बंधेंगे बकरे। अजमेर के बाजू में देख सकते हो दोस्तों सिंधी का माल है, सिंधी के मैं बकरे भी दिखाऊंगा कुछ आप लोगों को। एक ये बच्चा देख सकते हो आप लोग, घूमे हुए हथियार में माशाल्लाह। एक ये बच्चा देख सकते हो आप लोग, फुल गुलाबी, मार्बल सिंह, मार्बल खुर, बहुत शानदार बच्चा, चेहरे पे पफ वगैरह भी बहुत अच्छा है। और बाजू में देख सकते हो अजमेर की बकरी है सब, मैं दिखा दूँ आप लोगों को, अजमेर की पूरी बकरी है दोस्तों। इसमें बकरे शायद नहीं है, एक दो है जो है छोटे, बाकी सब बड़ी बकरी है और मेंढे कुछ देख सकते हो दोस्तों। बहुत अभी सब बकरे बाड़े में ही है, उसमें भी है कुछ बकरे, और अजमेर के बकरे जो सिल्लक कहते हैं सब इसमें देख सकते हो, इसमें भी बकरी है सब बड़ी बड़ी, और पीछे भी माल पड़ा है, टोटल माल सिल्लक का है दोस्तों। पिछले हफ्ते में जो सनीचर के इसमें रुका हुआ माल है वही सब माल है अभी देखने मिल रहा है, कोई नया माल दिख रहा नहीं अजमेर में। अजमेर की गाड़ी शायद नहीं आई है ज़्यादा, एक या दो गाड़ी आई है, बाकी सब सिल्लक का माल है देख सकते हो आप लोग। कुछ बच्चे देख सकते हो दोस्तों अजमेर के इसमें माशाल्लाह, एक ये बच्चा दिखा दो आप लोगों को, शानदार चीज़ है माशाल्लाह। नहीं नहीं बोल के दोस्तों, ज़्यादा नहीं 5 महीने के आसपास का बच्चा होएगा, पर गला पट्टी देखो अभी से, और पूरा गोल मटोल बच्चा है, सिल्लक का ही माल है दोस्तों। अभी गवाल आया तो उससे पूछा मैंने, तो उसने भी बताया सिल्लक का ही माल है अभी ये। इसमें भी देख सकते हो आप लोग मेंढे और कुछ बकरे हैं दोस्तों, सब मेंढे की तरफ में बंधे, सिंधी का माल है दोस्तों यहाँ पे ज़्यादातर। और एक ये बच्चा देख सकते हो आप, बन रहा है, बहुत खूबसूरत बच्चा है, बड़ा बच्चा है, अदंत है, ये सब खंडियों में बंधे के भी बड़े छोटे मेंढे सब बोलते ना, वो हिसाब से बांधे जाएंगे उनके हिसाब से।
बाकी देख सकते हैं आप लोग, सिंधी का माल है पूरा यहाँ पर भी दोस्तों, पूरा सिंधी का ही माल है देख सकते हो आप लोग। टोटल बच्चे सिंधी के इसमें दोस्तों, ये आखिरी बाड़ा है तरफ का, तो इसमें भी पूरा टोटल माल सिंधी है दोस्तों, लाइन से पूरा माल सिंधी का ही है। ये भी देख सकते हो इसमें भी सिंधी का एक मालवा है, माशाल्लाह अच्छा बच्चा है, छोटा है, कॉम्पैक्ट है, बोले तो बहुत से बहुत दोस्तों 40 अपना 35-40 किलो का होएगा दोस्तों। ये टोटल सिंधी है दोस्तों। आगे चलते हैं दूसरी तरफ में, कुछ दिख जावे वही हिसाब से। जैसा कि दोस्तों अभी ये तरफ का भाड़ा भी एग्जैक्ट अभी अभी कुछ दिनों पहले ही बना है, इस तरफ मैं आया नहीं था, अब की बार आया तो मैं दिखा रहा हूँ। वो तरफ के जो बाड़े हैं जिधर के मैंने बकरे दिखाए आप लोग को, अजमेरा जो जो जहाँ पहले बकरे रहते थे, अजमेर का हर बाड़े में सोजत अजमेरा हर क्वालिटी का, वो बाड़े अभी टूटने वाले, जो सामने का आप देख रहे हो ये सब टूटने वाले दोस्तों, ये सब खाली हो गए, अभी उनको इधर शिफ्ट कर दिया गया है। देख सकते हो आप लोग इधर पर पूरा बनाया गया है केजेस, सबको एक 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 हिस्सा दिया गया है, अजमेर वालों को किसी को कुछ किसी को कुछ। अभी उस जगह पे बकरे है लेकिन कुछ दिनों में टूट जाएगा, वो हिसाब से उसमें बकरे नहीं रखने अलाउड किया है। बाकी देख सकते हो आप लोग इधर से भी माल निकल रहा है, कुछ बकरे इधर पे भी है, थोड़े बहुत है, ज़्यादा नहीं है, बाकी सब बकरे उधर ही है, सब मेंढे वेंडे वगैरह है। और एक बच्चा है इधर पे, सिंधी में दिखाऊंगा आप लोगों को दोस्तों, सिंधी के कुछ बकरे भी है, एक बच्चा अच्छा उसमें लगा तो वो हिसाब से मैं सोचा दिखा दूँ आप लोगों को। देख सकते हो आप लोग दोस्तों पूरा केज बनाया हुआ, ये पूरा सिंधी का माल है दोस्तों। मैं आप लोग थोड़ा जूम करके दिखा दूँ क्योंकि अंदर जाने का जगह ज़रा भी नहीं है। एक वो बकरा देखिए सिंधी के, ये सब बकरे, और एक ये बैठा हुआ है बच्चा, माशाल्लाह क्वालिटी देखिए दोस्तों, सिंधी में खूबसूरत चीज़ है दोस्तों, एक खूबसूरत बोलते ना चीज़ अलग ही होता है, तो वही सबसे बच्चा बहुत पसंद आया, जा रहा था इसे गुजर रहा था और देख लिया चीज़ पसंद आई तो सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ, बहुत प्यारी चीज़ है दोस्तों। बाकी व्यापारी इधर है नहीं वरना हम रेट भी पता करते थे। चलिए दोस्तों आगे की तरफ भी चलते हैं, क्या है क्या नहीं देखते दोस्तों। इस तरफ में कोटा का माल है, कोटा माल में सब मिक्स है, एक दो बकरे जो कोटा के, देख सकते हो आप लोग इसमें कुछ बच्चे हैं कोटा के और बाकी सब मालवे के, सब सिल्लक का ही माल है दोस्तों, कोई नया माल नहीं है, सब सिल्लक का सनिचर का माल बचा हुआ है, सब बचे हुए बकरे, कोई इसमें ऐसा कुछ काम का नहीं है। लास्ट पिछले हफ्ते में भी शूट किए थे, सब खंडियों में बंधे थे सब बकरे, बाकी अभी खुले तो थोड़ा अच्छे समझ में आएगा आप लोगों को बकरे दोस्तों। इस तरफ में भी कोटा मालवा सब मिक्स है, सिल्लक ही है, क्योंकि मैं पूछा गवालों से तो उन लोगों ने बोले कोटा की गाड़ी हफ्ते नहीं आई है, एक एक गाड़ी आई है जो जंगल से अमजद भाई की आती है वही आई है, उसमें भी शायद वो माल तो दिखाई नहीं या बन गया, कुछ आइडिया नहीं है वो हिसाब से। बाकी देख सकते हो आप लोग इसमें भी बच्चे हैं, मालवे के हैं, कोटा के हैं, क्या पूरा देख सकते हो आप लोग, पूरा जाली लगाई हुई है, वो हिसाब से अंदर नहीं जा सकते, फिर गवाल चिल्लाते भी है, वीडियो बनाने अलाउड नहीं करते, ये तरफ में ज़्यादा ही करते कोटा के माल के तरफ में, तो वो हिसाब से मैं अंदर जा भी नहीं रहा हूँ, बाहर से कवर कर रहा हूँ दोस्तों। आज ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगा, छोटी सी है क्योंकि पूरा माल सिल्लक ही है, ऐसा कुछ दिखाने लायक है भी नहीं जो आप लोगों को मैं दिखाऊँ कि हाँ ये चीज़ ऐसी है आई है। बाकी पंजाबी या कुछ आए बकरे इंशाल्लाह टकराए गए तो वो भी ज़रूर मैं कवर करूँगा, बाकी फ़िलहाल तो कुछ दिखा नहीं मेरे हिसाब से, जो भी है मेरे सामने जितना भी चीज़ दिखी मैंने आप लोगों को दिखाया है दोस्तों, सिंधी का माल ही ज़्यादा है, आज सिंधी का माल आया है, बाकी पूरा टोटल माल कोटा अजमेर सोजत सिल्लक ही पड़ा है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि लोगों को पता चले देवनार में क्या आता है क्या नहीं, और सब्सक्राइब भी करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले दोस्तों, ताकि आप लोगों को डेली की अपडेट्स मिलती रहे, जो भी मैं डालता हूँ अपडेट्स सेल की या देवनार की या पर्सनल बकरों की, वही सबसे आपको डेली की अपडेट्स मिलती रहेगी। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।